गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम परवीन फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट, टुडे वी डू रीड चैप्टर 9, द स्काई इज फॉलिंग, पेज 83. द स्काई इज फॉलिंग इज अ स्टोरी अबाउट रैबिट. One sunny afternoon, एक धूप भरी दोपहर, means यानी एक बहुत धूप वाली दोपहर थी. A little bunny lay under a shady apple tree. एक छोटा सा बन्नी, बन्नी means खरगोश. मैंने आपको word meaning send किए थे, I hope आप सभी ने learn कर लिए होंगे. जिन बच्चों ने लर्न कर लिए हैं तो ये चैप्टर उनको रीड करने में इजी होगा, समझने में भी इजी होगा. ओके, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से देखिए. वन सनी आफ्टरनून, एक धूप भरी दोपहर थी. अ लिटिल बन्नी ले अंडर अ शेडी एप्पल ट्री. एक छोटा सा बन्नी खरगोश लेटा हुआ था अंडर नीचे. अ शेडी एप्पल ट्री, एक एप्पल ट्री सेब का पेड़ था. शेडी में छायादार, जिसमें बहुत घना पेड़ होगा, ठीक है. उस छायादार पेड़ के नीचे जो बन्नी है, खरगोश है, वो लेटा हुआ था. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ ग्रीन कैबेजेस. वह सपना देख रहा था. ड्रीम सपना होता है, ड्रीमिंग देख रहा. वो सपना देख रहा था ऑफ ग्रीन कैबेज, हरी हरी पत्ता गोभी, एंड रेड कैरेट्स, और लाल गाजर का. जो हमारा रैबिट है बन्नी, वो सोया हुआ था पेड़ के नीचे, और सोते सोते वो एक सपना देख रहा था. और सपने में क्या देख रहा था वो? ग्रीन कैबेज और रेड कैरेट्स. बेटा, जो कैरेट्स होती है वो बन्नी का, रैबिट का फेवरेट फूड है, ठीक है. तो वो अपने सपने में अपने फेवरेट फूड को देख रहा था. व्हेन सडनली एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड. तभी अचानक एक सेब उसके सिर पर आकर गिरा. फेल मीन्स गिरा. ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर. एच ई ए डी, हेड है सर, यू सिर है ना. ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर. वो यहाँ बेचारा आराम से सो रहा था, और ये शेडी ट्री है, यहाँ वो सोया हुआ था, और सडनली एक एप्पल आके उसके सिर के ऊपर गिर गया. आउच, क्राइड द बनी इन पेन. आउच मतलब ओ. अगर हम सो रहे हैं और एकदम से हमारे कुछ लग जाता है तो हमारे एकदम से आवाज़ निकलती है ना, ओ. क्राइड द बन्नी, बन्नी चिल्लाया इन पेन. इन मीन्स पेन मीन्स दर्द, पी ए आई एन, पेन मीन्स दर्द. वो दर्द से चिल्ला रहा है, ओ. पेज 84 पर आइए. ही लुक्ड हेयर एंड देयर. उसने इधर उधर देखा. हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ. उसने यहाँ वहाँ देखा, ये रहा बन्नी. और वो क्या कर रहा है, जब उसके ऊपर सेब आके गिरा तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा. बट कुड नॉट सी एनी थिंग. लेकिन बट मीन्स कुड, बट मीन्स लेकिन, कुड नॉट सी एनी थिंग. उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया. और एप्पल जो गिरा था वो उसकी नज़र में नहीं आया, उसको दिखाई नहीं दिए. ओ लॉर्ड, हे भगवान, ही थॉट. वो सोचने लगा, हे भगवान, इट मस्ट बी द स्काई. जरूर ये आसमान होगा. जो ये बन्नी था वो नींदों में था, और जब उसके ऊपर आके एप्पल गिरा वो डर गया, इधर उधर देखने लगा, बट उसे कुछ नहीं दिखाई दिया. तो क्या करता है, हे भगवान, ये तो आसमान होगा. ट्रम्बलिंग विथ फियर. ट्रम्बलिंग, टी आर ई एम बी एल आई एन जी, ट्रम्बलिंग विथ फियर. और वो डर से कांपने लगा. हमने ट्रम्बलिंग का मीनिंग भी आपको लिखवाया था ना,
ट्रम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ये वर्ड आपको याद करने हैं ताकि आप स्टोरी को अच्छी तरह समझ लो। ट्रम्बलिंग विथ फियर, वो डर से कांपने लगा। ही क्विकली गॉट अप, और वो तुरंत उठा। क्विकली मीन्स तुरंत, वो जल्दी से एकदम से उठा, ठीक है। गॉट अप, उठा, एंड रश्ड, और दौड़ने लगा। द स्काई इज फॉलिंग, और क्या चिल्ला रहा है वो दौड़ते दौड़ते, क्या बोल रहा है? द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। वो दौड़ रहा है डर के मारे, कांपते हुए वो उठा, और उठ के वो दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते वो क्या चिल्लाने लगा? द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग, सेव योर सेल्फ, आसमान गिर रहा है, अपने आप को बचाओ, भागो, ठीक है। ही वेंट ऑन शाउटिंग, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। द हैन हियर्ड द बन्नी, हैन मुर्गी, एक मुर्गी ने उसकी बन्नी की आवाज़ को सुना। इज इट ट्रू बन्नी, क्या ये सच है? शी शाउटेड आउट लाउड, वो जो हैन है, यहाँ देखो इसके लिए ही लग रहा था ना बेटा, क्योंकि बन्नी हमारा मेल है और यहाँ हैन हमारी फीमेल है, तो इसके लिए यहाँ शी लगा है। शी किसके लिए लगा है? हैन के लिए। शी शाउटेड आउट लाउड, और हैन चिल्लाई जोर से, क्या ये सच है? यस सर द बन्नी, हाँ हाँ बन्नी ने कहा। रन फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ को बचाओ और दौड़ो, अपने जीवन को बचाने के लिए भागो। द बनी रन फास्टर, जो बनी है रैबिट है वो तेजी से दौड़ने लगा, दौड़ रहा था। फॉलोड बाय द हैन, और उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी हैन, हैन मीन्स मुर्गी, मुर्गी भी उसके पीछे पीछे डर के मारे भागने लगी। बोथ ऑफ देम कॉलिंग आउट टू द अदर्स, जो दोनों के दोनों भागते हुए जा रहे हैं, और दोनों ही भागते भागते वो भी दोनों ही चिल्ला रहे हैं। बेटा यहाँ बोथ वर्ड यूज़ किया है, बोथ वर्ड जो है वो दोनों के लिए यूज़ किया है। दोनों कौन कौन है? हमारा बन्नी है और हमारी हैन है। दोनों दौड़ने लगे और वो दोनों ही चिल्लाते हुए जा रहे हैं, अदर्स में दूसरों, ताकि दूसरे भी सुन ले, दूसरों को बताते हुए जा रहे हैं। द स्काई इज़ फॉलिंग, यू मस्ट रन फॉर योर लाइफ। द स्काई इज़ फॉलिंग, यू मस्ट रन फॉर योर लाइफ, आसमान गिर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए भागो। दोनों के दोनों भागने लगे। यू नो आसमान तो कभी गिरता नहीं है ना, लेकिन ये बेचारा देखो कितना डर गया, इसका फेस देखो डर के मारे क्या हाल कर लिया, और ये फिंगर से इंडिकेट कर रहा है कि आसमान गिर रहा है। द डक्स स्विमिंग इन द पॉन्ड, बेटा यहाँ डक्स बोला गया है, यानी दो या दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अगर एक होता तो हमारा डक होता, लेकिन यहाँ दो या दो से ज़्यादा, हमें यहाँ सिर्फ दो दिखाई दिए तो हम दो को मान के चलते हैं, ठीक है। द डक स्विमिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, बतखें तालाब में तैर रही थी, स्विमिंग तैर रही थी। सॉ द हैन एंड द बन्नी रनिंग, तभी उन्होंने देखा, सॉ मीन्स देखा, किसको? हैन मुर्गी को, और बन्नी को बत्तखों ने देखा दौड़ते हुए। द बन्नी कॉल्ड आउट ऑफ देम, रन फॉर योर लाइफ, द स्काई इज फॉलिंग, जो बन्नी ने उनको देखा और वो भी चिल्लाया फिर से कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। द डक्स लुक्ड एट ईच अदर, जो ये दोनों बेचारी डक्स थी वो एक दूसरे को देखने लगी, ठीक है। उन्होंने जब इस बन्नी की आवाज़ सुनी, देखो ये बन्नी बता रहा ना, अरे अरे भागो भागो आसमान गिर रहा है, तो ये जो बेचारी डक थी जो स्विमिंग कर रही थी पॉन्ड में, वो एक दूसरे को देखने लगी, ईच अदर, एक दूसरे को। एंड टू स्केयर्ड, टू टी डबल ओ टू, यानी ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। स्केयर्ड डर गई, और वो बहुत ज़्यादा डर गई। टू से एनीथिंग, और वो डर के मारे एक दूसरे को देखते हुए देखने लगी। दे ऑल्सो फॉलोड द बनी एंड द हैन, और फिर वो दे, यहाँ डक के लिए यूज़ किया गया कि वे, वो ये दोनों भी बनी और हैन के पीछे उसको
पीछे दौड़ने लगी, फॉलो मीन्स उसके पीछे पीछे भागने लगी। द डियर वॉज इंजॉइंग द सॉफ्ट ग्रास। अब एक हिरन आया, हिरन क्या कर रहा था, वो सॉफ्ट हरी हरी जो ताज़ा ताज़ा घास थी, ग्रास मीन्स घास, इंजॉइंग कर रहा था। हिरन डियर मीन्स हिरन, हिरन का फूड क्या होता है बेटा, ग्रास, वो घास खाता है ना, तो वो हरी हरी घास, मुलायम मुलायम घास को खा रहा होगा। व्हेन ही सॉ द, तब उसने देखा बन्नी द हैन एंड द डक्स रनिंग। तो जो हिरन था, जो घास खा रहा था बेचारा, अपने एंजॉय कर रहा था, मजे कर रहा था, ठीक है, उसने भी क्या देखा, उसने भी बन्नी हैन और बत्तखों को दौड़ते हुए देखा। व्हाट्स द मैटर ही कॉल्ड आउट, क्या मामला है, क्या बात है भाई, क्यों दौड़ रहे हो। आप लोग भी क्लास में होता है ना, एक दो बच्चे दौड़ने लगते हैं तो तीसरा उससे पूछता, अरे अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं, क्या बात हुई, पूछते ना। तो ऐसे ही जब इन चार को जो हिरन है उसने दौड़ते हुए देखा, तो उसने भी पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है भाई, क्यों दौड़ रहे हो। ही कॉल्ड आउट, उसने बोला बेटा मैंने आज लाइव क्लास में भी यहीं तक पढ़ाया है और आप भी इसे यहाँ तक रीड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल की लाइव क्लास में। और आई होप जिन बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं करा वो कल करेंगे, सभी बच्चों को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। बाय, हैव अ नाइस डे।